सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल अनबॉक्सिंग एवरीथिंग्स में। तो गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज हमारे चैनल पे किस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो गाइस, आज बोट रग्बी प्लस की अनबॉक्सिंग होगी, जो कि एक स्पीकर है 16 वॉट का, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। तो आपको पता ही होगा हम बोट की मैक्सिमम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हम हमारे चैनल पे कर ही देते हैं। तो आज इसे अनबॉक्सिंग करने से पहले गाइस, कट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए गाइस, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप जहाँ भी निकलो, तो अगर आप घर से बाहर निकलते हो नेसेसरी काम के लिए घर से बाहर निकलो, मैक्सिमम टाइम आप और कोशिश करो जो ऑनलाइन शॉपिंग को आप बढ़ावा दो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, जिससे गाइस कोरोना की संक्रमण कम हो। और कभी भी आप बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। तो गाइस, इससे बहुत ही हेल्प होगी हमारे इंडिया को, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अगर कोविड से बचते हो तो सब आदमी कोशिश करेंगे कोविड से बचने का, जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो पाएगा कोरोना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले कट करते हैं इस डब्बे को और देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा डब्बा इसके साथ निकल के आता है फ्लिपकार्ट का, और मुझे नहीं पता था क्योंकि इतना बड़ा, मतलब साइज़ तो बहुत ही छोटा स्पीकर का, बट डब्बा बहुत ज़्यादा बड़ा दिया उन्होंने। तो चलिए, सबसे पहले डब्बे को कट करके हटाते हैं। आपको पता ही होगा प्लस मेंबर का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा जाता है फ्लिपकार्ट पे, तो ये दिख रहा है उनके पैकिंग से। तो चलिए, सबसे पहले डब्बे को साइड करते हैं, देखते हैं। मैंने बताया था आपको बहुत ही छोटा डब्बा निकलता है, बहुत ही छोटा तो नहीं है बट ठीक। देखिए, ये हमारा स्पीकर आ चुका है, बहुत ही सुंदर सा दिखने में लग रहा है, बहुत ही बड़ा डब्बा निकल के आता है, क्योंकि आप देख सकते हो साइड से जितने भी सारे फीचर्स दिए हुए यहाँ पे, 5 वाट के 2 अडेप्टर, ये चार्जिंग वाला दिया हुआ डिटेल्स। सब बात करते हैं इसके कुछ हाईलाइट्स की, जो सबसे बैक में इसका दिया हुआ है। माइक फॉर कॉल के लिए आप माइक है, टाइप सी का इंटरफेस है, स्प्लैश प्रूफ है 7, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वाटर रेसिस्टेंट, क्योंकि रग्बी में ऐसा नहीं था, रग्बी में हमें थोड़ा डर होता था क्योंकि वाटर में देने से, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो वाटर में बहुत ही हैवीली। तो चलिए, अप टू 7 आवर्स इसमें प्लेबैक टाइम है इसका, और जो कि 7 आवर्स तक आप प्ले कर सकते हो। वर्सन 5.0 पे काम करता है और 2000 mAh की बैटरी है, और कनेक्टिविटी मोड्स बीटी ऑक्स केबल, ये सबको पता है। तो ये है इसकी बहुत सारी फीचर्स जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास आपको पता ही होगा मैंने रग्बी की भी वीडियो की दी हुई थी, रग्बी की, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा रग्बी का अनबॉक्सिंग वीडियो, और उसका कंपैरिजन भी मैंने किया हुआ था ग्रेनेड के साथ। तो आज बात करेंगे हम इसके अनबॉक्सिंग की, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें इसके कंपैरिजन होगा बोट रग्बी और रग्बी प्लस के बीच में, क्योंकि आपको पता ही होगा दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। इसका ही ये न्यू अपडेटेड वर्जन रग्बी प्लस आया, तो आपको बताएंगे हम, क्योंकि आपको पता चलेगा इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। 999 का ये आ जाएगा, ये स्पीकर अवेलेबल हो जाएगा, और ये 2000 का होगा। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन सा फायदेमंद है, कौन सा डिसएडवांटेज, मतलब सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। तो उस वीडियो के लिए गाइस आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, तो वो वीडियो में हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। उससे पहले साइड करते हैं, सबसे पहले इसको कट करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो हमने इसे परचेज़ किया है ब्लू कलर में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, और यहाँ पे दिया भी हुआ है रग्बी प्लस, जो कि अच्छी बात है। सबसे पहले सील खोल लेते हैं हम कट, और देखते हैं इसके साथ क्या क्या आता है निकल के। धीरे 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 आ जा, बहुत बहुत कुछ है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद स्पीकर पे आएंगे। इसके साथ आपको पता होगा ये कुछ कुछ मिलता है, इसको कोई कुछ काम का नहीं है। वारंटी कार्ड तो काम का है, सबको पता है कैसे इसको साइट पे जाके रिन्यू किया जाता है, अपने वारंटी को क्लेम किया जाता है। इसको भी साइट करते हैं, ये इसको भी साइट करते हैं यूज़र मैनुअल। और ये रहा हमारा ऑक्स वाला, और ये रहा हमारा चार्जिंग बोर्ड टाइप सी वाला है, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि अभी नया में टाइप सी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्पीकर हो या ब्लूटूथ नेक बैंड्स हो, सब में टाइप सी दे रहे हैं, क्योंकि अलग से कोई वायर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी केबल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फोन का केबल भी लेकर चलते हो तो आराम से चार्ज कर सकते हो अपने एक्सेसरीज़ को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए, इसको साइड करते हैं। अब आते हैं अपने मेन स्पीकर पे, और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो आप लोग देख सकते हो हमारा रग्बी प्लस बहुत ही सुंदर सा ब्लू कलर में अट्रैक्टिव, बहुत ही शाइनी सामने आ चुका है। और ये पूरा स्पीकर 16 वॉट का स्पीकर है, आपको पता ही होगा क्योंकि वो 10 वॉट का रग्बी था और ये 16 वॉट का स्पीकर है। और ये स्पीकर बहुत ही अपने प्राइस रेंज पे बहुत ही टक्कर वाला स्पीकर है। बोट ब्रांड आप देख सकते हो सामने में, यहाँ पे कितना चमकता हुआ सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लुक। और हमें ये जान के बहुत ही अच्छा लगेगा, जो क्योंकि इंडिया का #1 ब्रांड बन चुका है ये। तो बात करें इसके फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट लुक की, तो बहुत ही अच्छी लुक हमारी सामने आती है, जो कि यहाँ पे ग्रिल दिया हुआ है, वो पूरा मेटलिक ग्रिल दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बोट का एक लोगो दिया हुआ है शाइनी सा, कोई भी मेटल यूज़ करके उस पर लिखा गया है। और यहाँ पे बात करें तो ये पूरा रबराइज मेटल है, पूरा रबराइज है, लेकिन इसका फिनिश बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट रबर से यूज़ किया गया इस पर। अगर आप ब्लेड ब्लेड अगर लगाते हो कोई भी शार्प वाली चीज़, तो आराम से इस पर ये नुकसान हो सकता है, कट लग सकता है, और पता भी चलेगा बहुत ही अच्छा खासा। लेकिन ये चीज़ इसका एक एडवांटेज भी, अगर ये इस साइड से गिरता है तो ये बचा लेगा आपको डैमेज होने से, मतलब बोट को। बट अगर ये फ्रंट साइड से गिरेगा या बैक साइड से गिरेगा अगर हाइट से, तो गाइज आराम से इसमें डेंट आएगा, और किसी साइड से आराम से इस पर डेंट पड़ सकता है। तो आप ऐसा ना करें, कभी फ्रंट साइड से गिरने की कोशिश ना करें। वैसे सबको पता होगा कोई भी जल्दी गिराने की कोशिश नहीं करता अपने स्पीकर्स को। तो चलिए, बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक हाईलाइट्स की, जो ऊपर में हमारे बटन्स दिए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं कि कौन से बटन क्या चीज़ में यूज़ आते हैं। तो सबसे पहला बटन है यहाँ से पावर ऑन करने के लिए, जिसको आप प्रेस करोगे तो पावर ऑन होगा। सबसे पहले हम प्रेस करके आप दिखाते हैं। पावर ऑन, You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair.
तो आपको पता ही होगा इंट्रो इसका यही था, जो बोट का भी नया वाला जितना भी आया सबका इंट्रो ऐसा ही थीम है जो बोलता है प्लग इन टू निर्वाणा। उसके बाद यहाँ से माइनस कर सकते हो साउंड को, आपको पता ही होगा डिक्रीज होता है साउंड। उसके बाद यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो साउंड को, यहाँ से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो कोई भी सॉन्ग को और वीडियो को। और माइक का भी काम करता है यहीं से, डायरेक्ट अगर आप कॉलिंग करते हो तो अच्छा खासा माइक का भी काम हो जाएगा आपका। और इस स्पीकर में आपको पता ही होगा जैसे कि उसमें था इनबिल्ट माइक निकल के आता है इस स्पीकर में भी। और यहाँ पे बात करें अगर स्पीकर्स की तो यहाँ पे दो स्पीकर्स मिल जाते हैं फ्रंट की तरफ, अगर आपको दिख रहा हो कैमरा में तो हो सकता है। यहाँ पे एक 8 वाट की है, दूसरी 8 वाट की है, मतलब 8-16 वाट के स्पीकर दो निकल के आती है, जबकि रेडमी में 5 वाट की दो स्पीकर 10 वाट के स्पीकर निकल के आती है। और पीछे साइड बात करें तो वूफर्स लगे हुए हैं, एक वूफर लगा हुआ है। अगर आप स्ट्रैप की बात करो तो ये भी सही है, लेकिन इसका वजन जो है थोड़ा हैवली निकल के आता है क्योंकि 2000 mAh की बैटरी लगी हुई इसमें, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बोला जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो न्यू वाला रेडमी है जो अपडेट होकर आया है और जो हमारा पुराना रेडमी है बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये बहुत ही छोटा लग रहा है इसके सामने में क्योंकि ये थोड़ा ह्यूज लग रहा है। ऐसा बात नहीं है जो इसमें 6 वाट ऐड भी है तो ये 16 वाट है, ये 10 वाट है, इस हिसाब से भी ये लार्ज बना है। बट बहुत सारे इसमें फीचर्स अच्छे लगे, जैसा कि आपको देखिए इसमें बोट का ये रबर पे दिया हुआ था बोट का ब्रांडिंग, बट यहाँ पे फ्रंट में दिया हुआ जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है, जैसे JBLs देते हैं तो वो मतलब कुछ अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है नया। आपको पता ही हो कुछ भी न्यू आता है तो वो न्यू ईरा के हिसाब से ही आता है, क्योंकि ये रेडमी प्लस जो है वो 2000 का स्पीकर निकल के आता है और यहाँ पे इसका प्राइस भी 2000 था, लेकिन अब इसका प्राइस हम मुझे लगता है मेरे हिसाब से अगर आप बोले तो 999 हो जाएगा, क्योंकि अब हमेशा ये 999 में स्पीकर मिलेगा क्योंकि इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है जो कि बहुत ही बेहतर है इससे, तो इसको ये करेंगे ही। यहाँ पे बात करें इसके पोर्ट्स की तो पोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप खुले पूरा दिया हुआ है, इसी कारण गाइज ये वाटरप्रूफ स्पीकर नहीं निकल के आता है क्योंकि सारे पोर्ट्स माइक सब कुछ दिया हुआ है खुले में। बट ऐसा नहीं है, हमारे रेडमी प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है सब पोर्ट्स को इंटरनली दिया हुआ है जिसको आप रख सकते हो आराम से पैक करके, जिससे वाटरप्रूफ बन जाता है हमारा ये स्पीकर IPX7 के साथ। तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि कोई भी स्पीकर वाटरप्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिलहाल इसके दोनों के बीच के कंपैरिजन हम दूसरे वीडियो में करेंगे जो कि आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको रेडमी का साउंड टेस्ट दे देता हूँ, उसके बाद आएंगे हम इसके फीचर्स पे जो जो न्यूली फीचर्स हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को मैं इंडोर एंड आउटडोर साउंड क्वालिटी दिखा देता हूँ, आप लोग सुन सकते हो खुद ही फील कर सकते हो कितना साउंड है इस स्पीकर में और कैसा बेस है। जहाँ तक मेरे बात करो तो ये बेस तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि बोट की ब्रांड है तो बहुत ही अच्छा बेस उन्होंने प्रोवाइड कराया होगा क्योंकि सारे स्पीकर उनके अच्छे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के साथ। तो सबसे पहले हम इसको पेयर कर लेते हैं, तो चलिए रेडमी प्लस आ चुका है हमारे डिवाइस में, इसको सबसे पहले पेयर कर लेते हैं। You're now connected to Boatstone. तो पेयर हो चुका है हमारे फोन के साथ ये स्पीकर, अब चलिए हम इसका साउंड टेस्ट देख लेते हैं कि कैसा साउंड है इसका। तो आप लोगों ने साउंड क्वालिटी इस स्पीकर्स की सुनी लिया होगा, बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस जैसा कि मेरे हिसाब से अगर आप बात करो तो। और हाँ ये बात तो थी 80% प्लस वॉल्यूम से ये थोड़ा वोकल्स इसके थोड़ा फट रहे थे, मतलब आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा था क्योंकि आप इससे ज़्यादा की साउंड क्वालिटी भी उम्मीद नहीं कर सकते। 80% बहुत ज़्यादा होता है, 90% तक ले जाते सारे स्पीकर्स मैक्सिमम सस्ते वाले, मैं JBL की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम सस्ते वाले हो जाते हैं ऐसा प्रॉब्लम। बट इस स्पीकर्स के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मुझे उम्मीद तो नहीं था बट सही है, मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से 2000 के हिसाब से सही है क्योंकि वोकल्स क्लियर हैं 80% 85% के हिसाब से। उसके बाद क्योंकि इसमें 2000 mAh की बैटरी लगी हुई है तो इसलिए ये हमारा बैटरी बैकअप इसके बॉक्स पे लिख के आता है 7 आवर्स, बट ये 5 आवर्स की बैटरी बैकअप दे पाती है जैसा कि मुझे पता चला है। बट मैं आपको रिव्यू वीडियो में इसका ओरिजिनली टेस्ट करके बता पाऊंगा जो कैसा, मतलब कितना देर का ये बैटरी बैकअप दे पाता है,
क्योंकि अप टू 7 आवर्स इसके प्लेबैक टाइम लिखे हुए हैं बॉक्स पे। तो चलिए इस बात को भी हम रिव्यू वीडियो में डालेंगे जो कि हमारे करेक्ट 1 मंथ के बाद अपलोड हो जाता है चैनल पे, सबको पता ही होगा। उसके बाद बात करें कनेक्टिविटी की, जो कि ये काम करता है हमारा ब्लूटूथ वर्सन 5.0 पे, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है अभी के, तो ब्लूटूथ वर्सन लेटेस्ट है तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे तुरंत कनेक्ट होगा। उसके बाद इसकी दूसरी बात करें तो बहुत ही अच्छी फीचर है, ऑक्स केबल के साथ आप इसको प्ले कर सकते हो, मतलब ब्लूटूथ एज वेल एज ऑक्स केबल के साथ, दोनों के साथ आप प्ले कर सकते हो, जो कि सारे स्पीकर के साथ मैक्सिमम के साथ आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके IPX स्प्लैश वाटर रेसिस्टेंट की, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लैश प्रूफ। तो सबसे पहले बात करें तो हम लोग अपने चैनल पे बहुत ही हाई लेवल वाटर टेस्टिंग करते हैं, हम लोग स्प्लैश प्रूफ नहीं पूरा इसका डीपली वाटर टेस्ट करके देखेंगे, मतलब थोड़ा सा अभी वाटर टेस्ट करेंगे, लेकिन इसका अनबॉक्सिंग वाले के बाद रिव्यू वीडियो जो आएगा उसमें हम बहुत ही हैवली इसका टेस्ट करेंगे वाटर टेस्ट, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा हमारे रिव्यू वीडियो के लिए। लेकिन अभी मैं आपको आउटडोर में दिखा देता हूँ जो कितना इसका वाटर टेस्ट है आउटडोर में, कितना हैवली हम करते हैं इसका। तो चलिए इसका वाटर टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वाटर टेस्ट देख ही लिया इस स्पीकर का, IPX7 रेसिस्टेंट है इसीलिए कितने अच्छे से ये वाटर को बहुत ही आसानी से झेल जाता है, और मैंने आपको बताया ही था जो मतलब बहुत ही अच्छा स्पीकर है ये 2000 के रेंज में। तो अगर बात करें कंक्लूजन की जो कैसा रहा, अगर मेरे हिसाब से आप परचेज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो गाइस बहुत ही अच्छा स्पीकर है इस प्राइस रेंज पे 2000 के हिसाब से, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे एक सेल भी आया हुआ था तो उसमें भी ऐसे स्पीकर का प्राइस कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी कोई भी आपको न्यू स्पीकर में डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है 4 मंथ 5 मंथ तो इस स्पीकर पे डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर रग भी जो है उस पर आपको मिल जाएगा 999 में वो स्पीकर मिल जाएगा, बट 2000 के हिसाब से बहुत ही बेस्ट स्पीकर है, मैंने भी इसे 2000 में परचेज किया था। तो यही था मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो इस स्पीकर का, अगर आप इसका डेप्थ रिव्यू देखना चाहते हो तो 1 मंथ के बाद अपलोड हो जाएगा चैनल पे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। और अगर आप इसका कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो रग्बी के साथ रग्बी प्लस का, तो वो भी 7 डेज के बाद अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से जाके आपको देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ओपन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।